मेरा नाम मसरत जहरा है और मैं भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में रहती हूँ और मैं एक सहाफ़ी हूँ। मैं फ़ोटो जर्नलिस्ट हूँ। सो कश्मीर में आप फीमेल फ़ोटो जर्नलिज्म का रेशो बहुत कम देखेंगे। वीमेन रिलेटेड इश्यूज हैं कश्मीर एंड चिल्ड्रन रिलेटेड इश्यूज हैं, तो उन पे काम करती हूँ, उन पे ज़्यादा फोकस है मेरा। हमेशा मैं जो मर्द सहाफ़ी हैं मेल फ़ोटो जर्नलिस्ट को देखती थी, तो मुझे ऐसे महसूस होता था कि शायद फ़ोटो जर्नलिज्म एक औरत के लिए नहीं बना है। जो हमने कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट देखा था मेल गेज से देखा था, हमेशा हम मेल फ़ोटो जर्नलिस्ट की पिक्चर्स देखते थे, तो मिसिंग क्या था? देर वॉज अ मिस लाइक एबसेंस ऑफ दिस फीमेल पर्सपेक्टिव। फीमेल पर्सपेक्टिव था ही नहीं कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट का। सो मुझे ऐसे लगा, नहीं, हमारी सोसाइटी को, कश्मीर को एक फीमेल फोटोग्राफर की ज़रूरत है। देर आर अदर स्टोरीज रिलेटेड टू वुमन, लाइक डोमेस्टिक वायलेंस है, लाइक घर के हालात ठीक नहीं रहते हैं। सो वो औरत एक औरत के साथ ही कंफर्टेबल होगी, उनके साथ बात करेगी। फॉर एग्जांपल उनकी प्राइवेट पार्ट्स पे या बॉडी पे कहीं पे स्कार्स वगैरह हो, निशान हो। बहुत सारी ऐसी फीमेल्स हैं जिनको प्रोटेस्ट के दौरान, फ्यूनरल्स के दौरान या लाइक रेप इज़ द टूल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। फीमेल्स के साथ ऐसी ज़्यादती होती है, हरेसमेंट होती है लाइक कश्मीर में, तो उनके साथ बात करने, लाइक वो मेरे साथ आराम से बात कर सकते हैं, बिकॉज मैं भी एक फ़ीमेल हूँ, वो भी ख़वातीन है, तो हमारे जो इमोशंस का कांटेक्ट है वो आपस में मिल जाता है। लाइक वो इजीली मुझ पर ट्रस्ट करती है, यकीन कर सकते हैं। दिस वाज इन माय माइंड दैट या देर इज़ अ नीड, एक ज़रूरत है हमारी सोसाइटी में एक फीमेल फोटोग्राफर की। पहला ही जो मेरा स्ट्रगल था वो मेरी फैमिली के साथ था, तो मुझे रोज़ ही अपनी फैमिली के साथ झगड़े होते थे, मेरी माँ बाप के साथ। मेरा ऐसा नेचर बन गया था, मेरा रेबेलियस नेचर बन गया था। मैं हर वो मुझे बोलते थे कि ये नहीं करना है, मैं तो वही कर देती थी। नहीं जाना है शूट पे, मैं निकलती थी, कैमरा उठाती थी। कई बार उन्होंने मेरा बैग मुझसे छीना है, कैमरा बैग। एक तो फैमिली का प्रेशर, दूसरा आपकी सोसाइटी का, जो आपकी लाइक फैमिली को फिर से सप्रेस करते हैं, बताते हैं नहीं 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 जी। देन यू आर इन अ मेल डोमिनेटेड फील्ड, तो वो भी आपको जहन में रखना है, दैट हाँ, दैट आई हैव टू कूप अप। लाइक इट शुड नॉट बी, ऐसे नहीं होना चाहिए कि मेल डोमिनेटेड फील्ड में मेरी कोई स्पेस ही ना बने। आपको अपनी जगह बनानी है मेल डोमिनेटेड फील्ड में। सो वो जगह मैंने कायम की। मुझ पर केस भी लगाया गया था UAPA का रिसेंटली, जो इंसिडेंट हुआ। उन्होंने वहाँ पे वो मुझे पिक्चर दिखाई, दैट दिस पिक्चर लाइक हमने आपको इस पर बुक किया है। तो वो पिक्चर मुहर्रम प्रोसेशन की थी, जिसमें जो शिया मॉर्नर्स थे उन्होंने बुरहान वानी, जो एक मिलिटेंट कमांडर थे, उनका पोस्टर हाथ में लिया था। तो वो पिक्चर पब्लिश भी हो चुकी थी। वहाँ पे ये भी बोला दैट हमें नहीं पता था कि आप जर्नलिस्ट हैं। वो मेरे ज़रिए जो पूरी जर्नलिज्म फेटर्निटी है कश्मीर में, उनको एक मैसेज देना चाहते हैं दैट देखिए, हमने एक फ़ीमेल को नहीं बख्शा है, हमने इसको नहीं छोड़ा है, तो आपकी तो बात ही नहीं है। बिकॉज ऑफ दिस सपोर्ट जो लोगों ने दिखाया ऑल अराउंड द वर्ल्ड, सो उसकी वजह से मैं बाहर हूँ, आज मैं आपसे बात कर रही हूँ। जब मेरी फैमिली ने पूरा सपोर्ट देखा, पूरी दुनिया का सपोर्ट देखा, मेरी वालदा मुझे बोल रही है दैट अब आप मेरी बेटी नहीं हो, आप पूरे दुनिया की बेटी हो, पूरी कश्मीर की बेटी हो। जिस काम के खिलाफ UAPA का एक्ट लगाया गया था, उसी काम को लेकर मुझे अवार्ड मिला है। लाइक उसी काम को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने रिकॉग्नाइज किया है। अवार्ड ऑफ करेज, अवार्ड मिलना एक बड़ी बात है मेरे लिए, और मेरी फैमिली को भी लगा दैट हाँ, हमारी बेटी सही रास्ते पे चल रही है। सो इट्स अ ट्रिब्यूट टू ऑल दोज जर्नलिस्ट्स हु रिस्क देयर लाइव्स टू वर्क इन कॉन्फ्लिक्ट जोन्स। ये मेरा अवार्ड नहीं है, ये पूरे लाइक कश्मीर के जितने भी जर्नलिस्ट हैं उनका अवार्ड है। ये हमारी कलेक्टिव अचीवमेंट है। कश्मीर में सहाफत मुश्किल तरीन पेशा है। इवन जब हम शूट पे जाते थे तो हमें पुलिस रोकती थी, आर्मी वाले रोकते थे, जी फुटेज डिलीट करो, फुटेज डिलीट करवाते थे। हमें हरास किया जाता है, इंटिमिडेट किया जाता है, क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया जाता है, केसेस हम पे किए जाते हैं, स्टिल हम स्टॉप नहीं करते, वी कंटिन्यू आवर वर्क।